हाँ तो भैया अखिलेश सब लोग आ गए। हाँ मोदी जी, सब लोग आ गए। अमित शाह जी आ गए, योगी जी आ गए, राहुल भैया आ गए, अपने लालू जी आ गए, सब आ गए। मोदी जी तुम तो कहानी शुरू करो। हाँ तो भैया हो, आज मैं तुमको शेर और कोयला की कहानी सुनाऊंगा। कहानी में बहुत मजा आएगा। और देखो भैया होन, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बीच में मेरे को डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो क्या है कि मैं कहानी भूल जाता हूँ और तुम बीच में ही सवाल पूछने लग जाते हो। नहीं मोदी जी, कोई भी बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम तो कहानी सुनाओ। हाँ तो भैया होन, एक कोयला था और एक शेर था। कोयला बड़ा होशियार था, उसने खाने के लिए क्या तरकीब लगाई। शेर के घर पर रोज जाता था, शेर का घर यानी कि शेर की गुफा में रोज जाता था। पर जाता था किस टाइम कि जब शेर घर पर नहीं होता था, तब घर जाता था और जाता था और गुफा के बाहर से ही आवाज देता था, अरे शेरनी भाभी शेरनी भाभी। तो शेरनी भाभी निकलती थी। हाँ बोलो भैया क्या बात है। अरे शेरनी भाभी, शेर ने मेरे से 100 रुपए लेकर आया है, अभी तक मेरे को वापस नहीं दिए। तुम शाम को शेर भैया से बोल देना कि मेरे 100 रुपए वापस दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ भैया मैं बोल दूंगी। और कोलिया फिर बाद में बोले, अरे शेरनी भाभी एक आधा मांस का टुकड़ा हो तो इधर फेंक देना। तो शेरनी भैया एक दो मांस का टुकड़ा दे देती थी, क्योंकि भैया कर्जा आ रहा है। और भैया कोलिया मांस का टुकड़ा खाए और घूमता फिरता जंगल में। और भैया शाम को शेर अपनी गुफा में आया, तो फिर शेरनी ने कहा, अरे तुमने वो कोलिया से 100 रुपए लेकर आए हैं, तो अभी तक तुमने उसके पैसे नहीं दिए। तो शेर ने कहा कि कौन सा कोलिया, मैंने तो किसी से कोई पैसे नहीं लिए। शेर ने कहा कि वो कब आता है पैसे लेने के लिए। तो शेरनी ने कहा कि तुम शिकार पर चले जाते हो, इसके बाद में पैसे लेने आता है। तो शेर ने कहा कि कल मैं घर पर ही रहूंगा, यानी गुफा में ही रहूंगा, तू कोलिया को रोक के रखना, फिर मैं देता हूँ उसके पैसे। तो शेरनी ने कहा कि हाओ तो हाओ। फिर भैया कोलिया दूसरा दिन फिर आया शेर से पैसे मांगने के बहाने। पैसे मांगना तो एक बहाना था, उसको तो वहां पर मांस का टुकड़ा मिल जाता था खाने के लिए, इसके लिए वह आता था। मोदी जी, कोलिया अपने आप को बहुत होशियार समझता था। हाँ हाँ कोलिया अपने आप को होशियार समझता था, इसलिए तो वो खाने के लिए आ जाता था। तो भैया कोलिया आया दूसरे दिन और बाहर से ही आवाज दी, अरे शेरनी भाभी शेरनी भाभी। फिर शेरनी भाभी बाहर निकली। क्या भैया, अरे तुमने बोला कि नहीं शेर भैया से कि मेरे पैसे कब तक दोगे। शेरनी ने कहा कि मैंने शाम को बोला तो था, पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। चलो एक काम करो शेरनी भाभी, एक दो मांस का टुकड़ा फेंक देना। शेरनी भैया अंदर गई गुफा के, और गुफा के अंदर से भैया शेर निकला दहाड़ता हुआ और कोलिया के पीछे लपक गया। कोलिया ने भैया इधर देखा नहीं उधर देखा, सीधा शेर को देखा, तो कोलिया भैया दुम दबा के जो भागा और कोलिया के पीछे शेर भी भागा। और भागते भागते भैया कोलिया को एक बहुत बड़ा झाड़ दिखा, उसमें से एक छोटा सा छेद था, उसमें से कोलिया निकल गया। तो शेर भी भैया गुस्सा के मारे कोलिया के पीछे भागे जा रहा था, तो उसने भी वो झाड़ का जो छेद था, शेर ने भैया वो झाड़ के छेद में से निकलने की कोशिश करी, लेकिन शेर की गर्दन फंस गई। और कोलिया तो भैया इधर अपनी धुन में भागा जा रहा था भागा जा रहा था। इधर शेर भैया गुस्सा में अपनी गर्दन को इधर खींचे उधर खींचे, इधर निकले उधर निकले, पर शेर से निकला नहीं जा रहा था। भैया इधर शेर परेशान हो रहा था अपनी गर्दन निकालने के लिए, पर उसकी गर्दन निकल ही नहीं पा रही थी। गर्दन से खून बहने लगा, लेकिन उसकी गर्दन निकल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे करके भैया शेर घंटा दो घंटे बाद वहां पर मर गया। इधर भैया कोलिया तो अपने धुन में भागा ही जा रहा था, वो तो पीछे मुड़के देख ही नहीं रहा था। अरे तो मोदी जी पीछे मुड़कर देखना तो चाहिए ना कि पीछे कोई आ भी रहा है कि अकेले भागे जा रहा था। अरे भैया डर नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ मोदी जी आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ। फिर भैया कोलिया को आगे जाकर लगा कि मैं अकेला ही भागे जा रहा हूँ, पीछे मुड़कर देखूं तो सही। कोलिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भैया कोई भी नहीं। फिर भैया कोलिया दबे पांव इधर झाके उधर झाके, धीरे धीरे करके भैया वापस आया उसी रास्ते से। इधर भैया आगे शेर को देखा कि शेर झाड़ के वो छेद में फंसा हुआ था। तो कोलिया भैया धीरे 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 करते शेर के पास आया और उसने शेर को धीरे से हाथ लगाया। तो भैया शेर तो मर चुका था, वो तो हाले ने डूले। इसके बाद भैया कोलिया ने शेर को 2-3 लात मारी। अरे मोदी जी, मरे हुए को मारकर कोलिया का शेर बनना चाहता था क्या, ऐसा ही समझ लो योगी जी। और भैया कोलिया ने शेर को 2-3 लात मारी और फिर गया भैया शेरनी भाभी के पास, बोला दूर से ही, अरे शेरनी भाभी शेरनी भाभी। तो शेरनी भाभी अंदर से निकली, बोली क्या बात है भैया। तो कोलिया ने बोला कि अरे शेरनी भाभी, मैंने तेरे को कितना समझाया कि मेरे 100 रुपए दिलवा देना, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं और मेरे पीछे शेर को लगा दिया, तो मैंने साले शेर को मार मुड़ कर झाड़ के छेद में फंसा दिया। इधर भैया शेरनी और उसके पूरा परिवार खूब जोर जोर से रोने लगे, भैया उनका तो बाप मर गया।
तुमको तो भैया जोर जोर से रोना आए। इधर भैया कोल्या ने ऊपरी मन से बोला, अरे शेरनी भाभी शेरनी भाभी। तो शेरनी बोली कि आप क्या बात है भैया। अरे शेरनी भाभी रोती क्यों है? अरे मैं कहीं मर गया हूँ क्या? अरे शेर मर गया है तो क्या हुआ? तो मेरे को कर ले, मेरे को अपना पति मान ले। तो शेरनी ने कहा कि चलो हाओ भैया ठीक है। इधर भैया शेर ने एक दो दिन खाने के लिए मांस छोड़ के गया था, तो भैया कोल्या ने एक दो दिन तो खूब पेट भरकर खाया मांस। इसके बाद भैया शेरनी ने कहा कि जाओ कहीं से मांस लेकर आओ, पूजा पाजी भूखे मर रहे हैं। तो कोल्या ने कहा कि हाओ अभी जाता हूँ। कोल्या भैया सुबह से निकला तो कोल्या से कोई बड़ा जानवर तो कोई मरता नहीं, तो वो कहीं चिड़ी को देखे, तो कहीं होलगी को देखे, कहीं मुर्गे को देखे, पर उसको वो हाथ नहीं आए। शाम को घूम फिर कर खाली हाथ वापस घर आ गया। तो शेरनी ने कहा तुमने तो कुछ नहीं लाए। अरे बस बाल बाल बच गया, नहीं तो 10 दिन के खाने की व्यवस्था में लेकर आता, ऐसा कह के बात टाल दी। अरे मोदी जी कोल्या तो बहुत होशियार निकला, लेकिन वो खुद भी क्या खाएगा। कोल्या के मन में एक तरकीब चल रही थी। दूसरा दिन हुआ तो शेरनी ने कहा कोल्या से कि जाओ कैसे खाने के लिए लेकर आओ। कोल्या ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। कोल्या भैया गया जंगल में और बस वही कहीं चिड़ी को देखे, कहीं होलगी को देखे, कहीं छोटे मोटे जीव जंतु को देखे, पर वो भी हाथ नहीं आए। उसके लायक वो खा पी के और वापस घर आ जाए। तो तीसरे दिन भैया शेरनी ने कहा कि एक काम करो, तुम पूजा पाड़ी को संभालना, मैं जाती हूँ। तो भैया तीसरे दिन शेरनी गई, उसने एक बड़ी भैंस को मारकर लेकर आ गई। तो कोल्या बड़ा खुश हुआ कि अब तो 4 दिन खाने को खूब मिलेगा। इधर भैया शेर के बच्चे भी थे 2। भैंस को भैया गुफा के पास रख लिया और सब भैया खाने को झुक गए। इधर कोल्या भी झुका खाने को, पर शेर के बच्चे भैया गुर्रा है क्योंकि वो तो शेर के बच्चे थे। कोल्या धीरे धीरे मांस का टुकड़ा तोड़े तो शेर के बच्चे उसे देखकर गुर्राए, मतलब उस पर खींचे। तो कोल्या ने कहा शेरनी से, अरे अपने पिल्लों को संभाल के रख, नहीं तो एक सपाटे में कहीं कहाँ जाएंगे। तो भैया उधर शेर के बच्चे को गुस्सा आ गई, तो शेर के बच्चे ने एक सपाटा दिया कोल्या को। तो कोल्या भैया चारों कोने चित, कोल्या को हलाया तो कोल्या हले भी नहीं। शेरनी बोला कोल्या से, अरे उठो उठो। कोल्या तो भैया मर चुका था, कहाँ से उठे, शेर का बच्चा शेर का होता है। तो भैया कोल्या मर गया और कहानी खत्म। मोदी जी ज्यादा होशियारी भी अच्छी नहीं होती। हाँ तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ सबके साथ।